फाइनली दोस्तों एंड्रॉयड 12 की जो डायनेमिक थीमिंग की सपोर्ट है वो हमारे MIUI की डिवाइस में देखने को मिल जाती है। तो अगर आपके फ़ोन में MIUI 13 की रोम इंस्टॉल है, बीटा वाली रोम इंस्टॉल है दोस्तों, तो आपके फ़ोन में MIUI थीमिंग की डायनेमिक थीमिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और कोई भी डाउट या सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप जरूर कीजिएगा। और दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और दोस्तों यूट्यूब की एल्गोरिथम के हिसाब से आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों, तो हमें यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा, ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो गाइस फाइनली वो फीचर्स जो हमें एंड्रॉयड 12 में देखने को मिलता है, डायनेमिक थीमिंग, उसकी सपोर्ट अब हमें MIUI की अपडेट में देखने को मिल जाता है। यानी दोस्तों जो हमें डायनेमिक फीचर्स की सपोर्ट मिलता है, डायनेमिक थीमिंग की सपोर्ट मिलता है, वो हमारे MIUI 13 की अपडेट में देखने को मिल गया है। तो अगर आप लोग सेटिंग में जाएंगे, अबाउट फोन में जाएंगे दोस्तों, और आप लोग अपने फ़ोन में MIUI 13 की बीटा वर्सन 22.1.17 को आप लोगों ने अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया होंगे दोस्तों, तो आपके फ़ोन में जो MIUI की थीमिंग है, डायनेमिक थीमिंग, उसकी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो उसके दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ तो देख सकते हैं, एक यहाँ पर थ्रेड देखने को मिलता है, पोस्ट मिलता है, जहाँ पर आप लोगों को शॉमी रिगार्डिंग सभी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। MIUI 13 न्यू फीचर्स डायनेमिक थीमिंग सपोर्ट। तो अगर आप लोगों के फोन में 22.1.17 वाला अपडेट है तो आपके फ़ोन में ये देखने को मिल जाएगा, ये वाला फीचर्स आपके फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। तो किस तरह देखने को मिलता है दोस्तों मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर, तो ये जो मॉनिटर वाला जो थीमिंग वाला ऑप्शन है दोस्तों, ये आपके सभी जगह काम नहीं करेगा। अगर आपके फ़ोन में MIUI की जो सिस्टम एप्लीकेशन है दोस्तों, वहाँ पर काम नहीं करेगा, MIUI की बेस का भी काम नहीं करेगा। पर अगर आपके फ़ोन में गूगल की एप्लीकेशन है दोस्तों, तो उसमें अच्छी तरीके से काम करता हुआ दिख जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं गूगल फोटोज़ में आपको देखने को मिल जाता है, गूगल क्रोम में अगर जाएंगे टैब वगैरह तो वहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो हर जगह दोस्तों आपको देखने को नहीं मिलता है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, गूगल क्रोम में दोस्तों देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पर थीम देखने को मिल जाता है, जो मैं वाल पर जैसे यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को सेम यहाँ पर कलर देखने को मिल जाता है। अगर मैं आपको फोटोज़ यहाँ पर दिखाता हूँ दोस्तों, फोटो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर भी वो देखने को मिल जाता है। और अगर मैं ड्राइव एप्लीकेशन ओपन करता हूँ या दोस्तों गूगल बेस्ड अगर एप्लीकेशन लोग ओपन करते हैं, तो ये जो थीमिंग वाला ऑप्शन है आपको देखने को मिल जाता है। और अगर मैं यहाँ पर वालपेपर को चेंज करता हूँ दोस्तों, मैं सपोज़ मैं किसी वालपेपर को यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर इस वाले वालपेपर को अपने फ़ोन में अप्लाई करता हूँ, सेट एज वालपेपर कर देता हूँ, और देख सकते हैं वालपेपर यूज़ करने के बाद अगर हम लोग जाते हैं क्रोम एप्लीकेशन पे, तो आप देख सकते हो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाता है थीमिंग वाला सपोर्ट। दोस्तों हम लोगों ने अभी अपने फ़ोन में ग्रीन वॉलपेपर को यूज़ किया है, तो आपको ग्रीन थीमिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। फोटोज़ को दोस्तों एप्लीकेशन ओपन करेंगे देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पर सब जगह जो ग्रीन की इफेक्ट देखने को मिल जाता है। ड्राइव को ओपन करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को ग्रीन इफेक्ट देखने को मिल जाता है। दोस्तों जो डायनेमिक जो थीमिंग सपोर्ट दोस्तों हमारे MIUI 13 में देखने को मिल जाता है। अगर आपके फ़ोन में MIUI 13 की बीटा रोम 22.1.17 या फिर इसके ऊपर दोस्तों कोई वर्सन है, तो आपके फ़ोन में MIUI की जो एंड्रॉयड 12 की जो डायनेमिक थीमिंग है, तो उसकी सपोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों एंड्रॉयड 12 की बात करते हैं यहाँ पर, तो हम लोग एंड्रॉयड 12 में वालपेपर बेस्ड देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग वालपेपर जो भी यूज़ करेंगे तो उसे देखने को मिलता है, जैसे कि हमें MIUI की रोम देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं कि हम लोगों पिंक टाइप की वालपेपर हम अपने फ़ोन में यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर कुछ आप लोगों को प्रीव्यू भी देखने को मिल जाता है कि आप लोग किस तरह की वॉलपेपर की कलर को आप लोग अडेप्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसकी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और उससे यहाँ पर एक बेसिक कलर की भी सपोर्ट हमें एंड्रॉयड 12 में देखने को मिलता है, जहाँ पर आप लोग कलर को चूज़ कर सकते हैं, और चूज़ करने में दोस्तों आप लोग को उसी तरह की यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, डायनेमिक थीमिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। पर दोस्तों अगर MIUI की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो MIUI में दोस्तों आप लोगों को जो वॉलपेपर यहाँ पर यूज़ करेंगे उसकी दोस्तों आप लोगों को थीमिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा। बेसिक वाला सपोर्ट अभी हमें आप लोगों को MIUI में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर MIUI की जो स्किन है वो दोस्तों काफ़ी हेवी होता है। तो मैं यहाँ पे एक दूसरा वॉलपेपर को यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ दोस्तों। अप्लाई करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से ऑप्शन में जाने के बाद, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ क्रोम एप्लीकेशन में, तो देख सकते हैं यहाँ पे भी आप लोगों को ये थीमिंग अप्लाई हो चुका है। अगर हम लोग जाते हैं फोटोज़ में, तो यहाँ पर आप लोगों को थीमिंग देखने को मिल जाता है। ड्राइव में जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर थीमिंग देखने को मिल जाता है। या दोस्तों सभी जगह ये ऑप्शन तो काम नहीं करता है, पर जहाँ करता है दोस्तों वहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर काम करता हो आपको देखने को मिल जाता है। तो बस यही फीचर्स दोस्तों आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया है MIUI 13 की बीटा अपडेट में 22.1.7 में। और आप लोगों को एंड्रॉइड थीमिंग वाली ये डायनेमिक थीमिंग अगर पसंद आया दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दिए, ताकि मैं इससे कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिल जाए।